नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दहिसर विधानसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदवार मनीषा ताई चौधरी भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुकी हैं। यहां आपको बता दें कि इसके पहले भी यहां की स्थानीय विधायिका बीजेपी से मनीषा ताई चौधरी ही थी और 2019 के इस विधानसभा सीट में भी उन्होंने अच्छी खासी वोट से एक बार फिर जीत हासिल कर चुकी है। मनीषा ताई चौधरी ने इस जीत का जो श्रेय है वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिया है, साथ ही स्थानीय मतदाताओं को दिया है। मनीषा ताई चौधरी ने बात करते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान हमने जो भी जनता से वादे किए हैं उन वादों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। पहले तो मैं मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष लोढ़ा जी और हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का और मेरे महायुति के सभी नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने विश्वास रख के फिर एक बार मेरे को दहिसर विधानसभा का नेतृत्व करने का उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा और दहिसर विधानसभा के सभी जनता ने मुझे यहाँ आज फिर एक बार दहिसर की धारा सभ्य तरीके से मेरे को चुन के दिया, इसीलिए मैं सभी जनता जनार्दन मेरे मतदारों का आभार मानती हूँ। इसमें मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे नगर सेवकों ने गत 5 साल जो काम किए वो काम का विश्वास जनता जनार्दन ने रखा है। आने वाले 5 साल में जो काम हमारे पेंडिंग है वो पूरे काम करूंगी। इसमें हमारे दहिसर नदी का विकास है वो पूरा करूंगी, मैंग्रोव पार्क पूरा करूंगी, PAP का प्रोजेक्ट पूरा करूंगी और दहिसर में जो ट्रैफिक की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या के लिए हम लोग जो बॉटलनेक है वो खुले करने का मैं प्रयास करूंगी। फिर एक बार मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, महायुति के कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने जो 2019 अक्टूबर के विधानसभा के चुनाव में जो श्रम किए, मेरे परिवार हो गए, मेरे सभी समाज के लोगों ने मेरे को साथ दिया, इसीलिए सभी की मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।